बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सूरा आले इमरान आयत नंबर 185 मैंने आपके सामने क़राअत की है। इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद अहम बुनियादी हक़ाइक़ बयान फरमाए हैं। अगर इंसान इसमें गौर कर ले और इसके मुताबिक अपनी इस्लाह कर ले तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाएगी। पहली बात अल्लाह ने ये फरमाई कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। ये ऐसी हकीकत है कि जिसका एक भी इनकार करने वाला ना माजी में था, ना आज है, ना आइंदा होगा। कि जो ये कहे कि मैं मौत को नहीं मानता, ये सब वैसी बातें हैं। नहीं, पूरी इंसानियत का इत्तेफाक है इस बात पर कि मौत तो है, मरना तो है। जितना भी जी लो बिल आखिर एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो यहाँ तक तो है तमाम लोगों का इत्तेफाकी मसला, लेकिन इख्तिलाफ शुरू हुआ है कि मौत के बाद क्या होगा। तो जिसका जो अक़ीदा है उसके मुताबिक वो अपनी बात रखता है। सबका अहले किताब यहूद व नसारा वो कहते हैं कि हाँ, मौत के बाद ज़िंदगी है। मरना तो इत्तेफाकी है और मौत के बाद ज़िंदगी है, लेकिन होगा क्या? फिर उसमें ये अहले किताब दो हिस्सों में मुनक़सिम है, यहूद और नसारा। यहूदियों का अक़ीदा ये है कि हम अल्लाह के चहीते हैं, हम पसंदीदा हैं, लिहाजा जन्नत तो हमारे लिए ही बनाई है और हम जो है जन्नत में जाएंगे। नहनु अहिब्बाहु, हम अल्लाह के पसंदीदा हैं। नहनु अबनाउल्लाहि, हम अल्लाह के बेटों की तरह है। जिस तरह एक बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, इस तरह अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। लिहाजा हम अल्लाह के महबूब और चहीते हैं, तो जन्नत तो है ही हमारे लिए। जबकि नसारा का अक़ीदा ये है कि इंसान पैदाइशी गुनाहगार है, वो कुछ भी कर ले वो पाक नहीं रह सकता। इंसानियत की तरफ से नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद को सूली पर चढ़ाकर सबका कफ़ारा अदा कर दिया है। लिहाजा अब मरने से पहले किसी पादरी के पास चले जाओ, माफ़ी तलाफ़ी कर लो, तौबा मिल जाएगी और डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाओगे। ये उनका अक़ीदा है। इसी तरीक़े से हिंदुओं का अपना अक़ीदा है। हम मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा क्या है? हमारा अक़ीदा ये है कि मरने के बाद इंसान फना नहीं होता है, ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि इंसान मुंतकिल होता है एक दूसरे जहान की तरफ। अव्वल बात तो ये है। यही वजह है कि जब हम किसी को मरने की इत्तला देते हैं तो हम ये कहते हैं कि फ़लाँ भाई का इंतकाल हो गया है। तो इंतकाल का मतलब ही यही है कि पहले जो है वो दुनिया में था, अब वो दूसरे जहां पहुंच गया है। इंतकाल मिल्कियत, इंतकाल जायदाद, ये तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा। पहले एक मालिक होता है फिर दूसरा मालिक बन जाता है, इसी को कहते हैं मुंतकिल इंतकाल। पहले एक शख्स गुलबर्ग में था फिर वो गुलशन चला गया, ये भी इंतकाल है। इसी तरीक़े से हमारा अक़ीदा ये है कि मरने के बाद इंसान मुंतकिल होता है आखिरत की तरफ। दूसरा ये है कि उस जहान में जो ज़िंदगी होगी वही हकीकी ज़िंदगी होगी, और उस ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी इंसान के अक़ीदे और अमल पर है। इसके अलावा कोई शे वहाँ काम नहीं आएगी। लिहाजा यह है वो हमारा अक़ीदा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ जायका बयान किया है, मौत का जायका। जायका मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, फीका भी होता है, मुख्तलिफ जायके हैं। तो अब जौन सा भी फ्लेवर हो, अब ये जायका जो होगा ये इंसान के अक़ीदे और अमल के मुताबिक होगा। अगर मुमिन हुआ, नेक अमाल उसने किए, तो उसकी रूह जो है आसानी से कब्ज़ होगी। और अगर नाकारा हुआ, बदकार निकला, तो उसके मुताबिक जो है उसकी रूह कब्ज़ होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमिन की रूह जब कब्ज़ होती है तो उसकी कैफियत ये होती है कि मशकीज़ा होता है। अब मेरा ख़्याल बहुत कम हो गया है, ये जो जदीद नस्ल है शायद इन्होंने देखा भी नहीं हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्होंने अक्सर सदर के इलाके में देखा होगा कि वो मशकीज़ा लेकर के जा रहे होते थे। वो जो मशकीज़ा है उसका जो सर होता है वो बांधा हुआ होता है। अब अगर इसकी गिटान कोई खोल दे तो अंदर से पानी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दी है कि मोमिन की रूह जब कब्ज़ होती है उसकी कैफियत ये होती है जैसे गिटान खोल दी हो मशकीज़े की और उससे पानी बाहर आ रहा हो, आराम से वो रूह बाहर की तरफ आ जाती है। ये है मोमिन की रूह। और जो काफिर होता है, फासिक और फाजिर और नाफरमान होता है, उसकी जब रूह कब्ज़ होती है तो अव्वल तो उस रूह के ऊपर एक हैबत आती है, फरिश्ते असली शक्ल में आ जाते हैं उसके सामने। तो वो रूह जो है जिस्म के अंदर रहती है, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होती है। तो फरिश्ते डांटते हैं, पिटाई करते हैं और उसको कहते हैं निकल बाहर, अंदर अब क्या कर रही है, तुम्हारा वक्त ख़त्म। एक हैबत, एक रोब, एक हालत होती है उसकी। और फिर उसके बाद जब रूह उसको निकालते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशबीह दी है जैसे मलमल का कपड़ा। मलमल वो बारीक सा सफ़ेद रंग का जो कपड़ा होता है, इस कपड़े को अगर किसी कांटे पर बिछा दी जाए, कांटों पर बिछा दिया जाए और फिर सख्ती से और झटके दे करके उस कपड़े को घसीटा जाए तो जो हालत उस कपड़े की होती है, फरमाए यही हालत जो है रूह की होती है जब उसको बदन से अलग किया जा रहा होता है। तो जायका तो है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। अब कैसा जायका है ये उसके अक़ीदे पर है, उसके अमल पर है। लिहाजा इंसान को अपने अक़ीदे और अमल के ऊपर तवज्जो करनी होगी, इसके अलावा और कोई शे वहाँ काम नहीं आएगी, ना दोस्ती, ना रिश्तेदारी, ना ताल्लुकात। एक मसला समझ लीजिए इस जगह पर, मरज़ुल मौत यानी वो बीमारी जिसकी नतीजे में वो बिल आखिर दुनिया से चला गया। मरज़ुल मौत में इंसान को तकलीफ़ होती है, बीमारी में शिद्दत होती है, बीमारी में तवालत होती है, ये सब कुछ होता है। तो मौत से कबल जो बीमारी होती है या जो तकलीफ़ होती है उसका सबब गुनाह नहीं होता है, बल्कि वो तमाम इंसानों पर आ सकती है। किसी की रूह बग़ैर बीमारी के कब्ज़ हो जाती है और किसी की रूह बीमारी के बाद कब्ज़ होती है। बीमारी का होना, बीमारी का शिद्दत की हालत में होना या बीमारी का तवील हो जाना, ये सबब नहीं है इस बात का कि ये शख्स गुनाहगार है, इसको अल्लाह ने पकड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं है। बल्कि ये जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपना एक निज़ाम है। हाँ, जिस वक़्त रूह कब्ज़ होगी, वो जो आखिरी लम्हा होगा जब वो दुनिया से जा रहा होगा, ये होगा वो असल वक्त कि अगर मोमिन होगा तो ये वक्त इसके ऊपर आसानी से गुजर जाएगा, और अगर बदकार होगा तो यही वक्त उसके लिए सख्त मुश्किल होगा और यही मरहला उसके लिए दुश्वार हो जाएगा। रह गया इससे पहले, तो इससे पहले बीमारी का होना ये जो है दलील नहीं है कि वो जो है ना वो कोई गुनाहगार था, फासिक और फाजिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बीमारी आई थी, कई दिन बीमार रहे थे और फिर उसके बाद आप दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो मौत से कबल बीमारी दलील नहीं है कि ये फासिक और फाजिर है। तो फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। दूसरी बात अल्लाह ने यहाँ ये फरमाई, तुमको तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला क़ियामत के दिन दे दिया जाएगा। वो योम जज़ा है, उस दिन जो कुछ तुम लेकर आओगे उसका इवज़ और बदला वहाँ पर तुम्हें दे दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो कोई भी नेकी ज़र्रा बराबर भी लेकर आया होगा उसको वो देख लेगा, उसका बदला पा लेगा, और जो कोई बुराई लेकर आया होगा ज़र्रा बराबर, तौबा नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी, उसका अंजाम भी वो देख लेगा। एक एक शे जो है वो सामने आ जाएगी। तो फरमाया इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुमको तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला क़ियामत के दिन दे दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तीसरी बात अल्लाह यहाँ फरमा रहा है, जो शख्स दूर कर दिया गया आग से और दाखिल कर दिया गया जन्नत में, फ़क़द फ़ाज़, यकीनन वो कामयाब हो गया। ये है वो असल कामयाबी जो एक इंसान को हासिल हो। दुनिया की कामयाबी का मयार मुख्तलिफ है, माल, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, इक़्तिदार, मनसब, इख्तियारात, औलाद वग़ैरह वग़ैरह। लोगों ने अपने लिए मयारात बनाए हुए हैं कि ये किसी को हासिल हो गया तो वो कामयाब हो गया। अल्लाह फरमा रहा कि नहीं, असल कामयाबी ये है कि जो जहन्नुम की आग से बच गया, असल कामयाबी ये है जो जन्नत में दाखिल हो गया। और अगर ये ना मिला तो फिर उस सूरत में ये सब बेकार और ज़ाया होगा। क़ियामत के दिन मुजरिम ये चाहेगा कि मेरी औलाद, मेरी बीवी और बच्चे, मेरा ख़ानदान और दुनिया के तमाम इंसान, अल्लाह इसको फ़िदिये के तौर पर ले ले। जैसे रोज़े का फ़िदिया होता है ना, रोज़ा नहीं रखा तो फ़िदिया दे दिया कि जी ये उसका इवज़ और बदला हो गया। तो क़ियामत के दिन मुजरिम ये कहेगा कि मेरी औलाद, बीवी, बच्चे, ख़ानदान और पूरे इंसानों को फ़िदिये के तौर पर ले ले, इन सब को जहन्नुम में डाल दे, मेरी जान बचा ले। ये हालत होगी वहाँ पर, वहाँ कोई शे काम नहीं आएगी। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस में ये फरमाया है कि क़यामत के दिन अगर मुजरिम को सोने की बराबर जो है ये ज़मीन, ये सब सोना और चांदी इस तरह बना करके उसको दे दिया जाए कि ये ले लो, ये तुम्हारा हो गया, तुम मालिक हो इसके, तो ये सारा सोना देने के लिए तैयार हो जाएगा कि ये ले लो और मेरी जान जहन्नुम से छुड़ा लो। वहाँ तो ये हालत होगी, वहाँ ये कैफियत होगी। तो फरमाया कि असल कामयाबी ये है कि इंसान जहन्नुम की आग से बच जाए, असल कामयाबी ये है कि इंसान जन्नत में पहुँच जाए। आज भी अखबारात में सर्वे होते हैं, अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो इसमें भी सर्वे शुरू हो गए, मुख्तलिफ सर्वे होते हैं कि जी आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, तो वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जवाब देते हैं। कोई कहता है लोड शेडिंग मेरा बड़ा मसला है, कोई कहता है जहालत सबसे बड़ा मसला है, कोई कहता है फ़िरका वारियत सबसे बड़ा मसला है, मुख्तलिफ आरा। याद रखिए ये सारे मसाइल हैं, इसमें इनकार नहीं है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जहन्नुम से हम कैसे बचें और जन्नत में कैसे दाखिल हों, ये है हमारा सबसे बड़ा मसला। जिसको जिसने ये मसला हल कर दिया वो कामयाब हो गया। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। आखिर में अल्लाह फरमा रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए लोगो, दुनिया की ज़िंदगी सामान है धोखे का, इंसान को गफलत में डाल देता है। दुनिया में इंसान खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, देख रहा है, दुनिया की रंगीनियों में गुम है। इसकी मिसाल ख्वाब की है। जब इंसान ख्वाब में होता है तो कोई बाग में बैठा हुआ है, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई समंदर में तैर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती कि ओहो ये तो मैं चारपाई पे लेटा हुआ हूँ। इसी तरीके से हम इस वक्त ख्वाब की हालत में हैं। हम कब बेदार होंगे? जब यहाँ आँख बंद होगी। जब यहाँ आँख बंद होगी तब हकीकी आँख खुल जाएगी कि ओहो ये मैं क्या कर रहा था। फिर उस वक़्त मुजरिम की बात मैंने आपको पहले दर्स में बयान की थी। मुजरिम क्या कहेगा कि अल्लाह मुझे वापस लौटा दे, अब मुझे यकीन आ गया, अब मुझे एक मोहलत और दे दे, अब मैं नेक अमल करके आऊँगा। इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में भी ये मजमून बयान फरमाया है कि लोगों, मौत आने से पहले पहले इन्फाक कर लो, अपने लिए आगे भेज दो, सामान कर लो, वरना अगर एक दफ़ा मौत आ गई फिर अफसोस करोगे। लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअस्सदक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। अल्लाह तूने मुझे थोड़ी मोहलत और क्यों ना दे दी? थोड़ी मोहलत तो और दे देता तो मैं कम से कम कुछ सदका कर लेता, कोई वसीयत कर लेता, कोई दो बात करके आ जाता। अल्लाह फरमाता फिर मोहलत नहीं मिलेगी। ये वक्त है, इस वक्त से किसी ने फ़ायदा उठा लिया, उठा लिया। लिहाजा ये दुनिया की रंगीनियाँ तुम्हें गाफिल ना कर दे। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की ज़िंदगी सामान है धोखे का, इंसान को गफलत में मुब्तला कर देती है। ये बात समझ लीजिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसका रसूल नहीं कहता कि तुम दुनिया तर्क कर दो, तर्क की दुनिया की तालीम नहीं देता है। ला रहबानियत फिल इस्लाम। इस्लाम में रहबानियत नहीं है कि कोने खुदरों में जा कर के बैठ जाओ, गारों में जा कर के बैठ जाओ, नहीं। इस्लाम जिम्मेदारियाँ देता है। इस्लाम माशरे के अंदर रह कर के, इंसानों के अंदर रह कर के ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देता है। लिहाजा दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के ना रहो, दुनिया में रहो एक अल्लाह के हो कर के रहो। इसकी बहुत अच्छी मिसाल अहले इल्म ने दी है कि जैसे कश्ती है और पानी है। कश्ती का वजूद बग़ैर पानी के नहीं है, लेकिन ये पानी जब तक कश्ती के नीचे है तो कश्ती का वजूद बाकी है। लेकिन अगर यही पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो उस कश्ती के लिए डूबना लाजिम है। इसी तरीक़े से ये इंसान इस दुनिया के अंदर रहेगा, ये दुनिया इसके कदमों के नीचे होगी। लेकिन अगर ये दुनिया इसके दिल में बैठ गई तो उसके लिए तबाह होना फिर लाजिम है, जैसे कश्ती के लिए डूबना लाजिम है। लिहाजा दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के न रहो, दुनिया में एक अल्लाह के हो करके रहो। और बाज़ अहले इल्म ने ये नुक्ता भी बयान किया है, देखिए अल्लाह ने मैदा पेट भी दिया है, दिल भी दिया है। पेट का ताल्लुक़ दुनिया के साथ है और दिल का ताल्लुक़ अक़ीदे और अल्लाह के साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिल को ऊपर रखा है, पेट को नीचे रखा है। तो इसी तरीक़े से दुनिया नीचे होगा, अक़ीदा और ईमान ऊपर होगा। और अगर साइंस तरक्की कर जाए और ये कहे कि नहीं मैं इसको उल्टा करता हूँ, दिल को नीचे करता हूँ और मैदे को ऊपर ले आता हूँ, तो नतीजा क्या होगा? मर जाएगा, तबाह हो जाएगा। लिहाजा दुनिया में रहो, दुनिया कमाओ। दुनिया कमाना मना नहीं है, इंशाल्लाह इस पर किसी और मौके पर मैं बयान करूँगा कि दुनिया कमाना मना नहीं है, जितना कमा सकते उतना कमाओ। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माल को अच्छा करार दिया उस शख्स के लिए जो इस माल को अल्लाह की रज़ा में ख़र्च करता हो, उसके लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो माल कमाना मना नहीं है, ऐब नहीं है। हाँ, माल से मोहब्बत नहीं करोगे। मोहब्बत एक अल्लाह से, मोहब्बत जन्नत से, मोहब्बत आखिरत से। तो अगर कर लिया कामयाब हो जाओगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुअमिनीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।